कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू संगवारी हो, जय जोहार, राम राम। फुदुक फुदुक मोर धौरा बछरू एती ओती में छरावत हे, लिच लिच कनिहा डोलावत पनिहारिन जिहा आवत हे। लैका मन खेलत हे भौरा बाटी, घर घर हे खपरा के छानी। छत्तीसगढ़ी मयारू यहाँ के बानी, नदिया नरवा के तीर हे, बर पीपर के छाव हे, ऐसन मोर छत्तीसगढ़ के गाँव है। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ के गाँव और यहाँ के मनखे जेला भगवान कथे ओला हरे किसान मन। संगवारी हो, जब गांव में जाबे तो एकता दिखते, समूह बना के किसान मन ह खेती करते, याने कहान की एकता में बड़ ताकत होते। तो एकता से कुछ काम करे जाए तो बड़ा अच्छा होते। संगवारी हो, मैं कहा था समूह बना के यदि कुछ काम करे जाए, जैसे खेती किसानी भी करत है, जेकर जगह जमीन नहीं है संगवारी हो, ते मन समूह बना के खेती करते, और जेकर समूह बन गए ओला सरकार कोती ले मछली पालन करे बर तरिया डबरी तको दे जाते। तो संगवारी हो, ऐसने एकता में बड़ा ताकत होते, ये बात ला आप मन जाना था। तो मछली पालन के विषय में चर्चा महेश भी आप मन ला बाद में करवाही, मैं पहली कहा था ये संदेश ला आप मन देखो। शासन के एक बहुत अच्छा योजना आया है सोलर पंप का। सोलर पंप योजना में 3 हॉर्स पावर तक के मोटर यदि किसान लगाता है तो 12 से 15 हज़ार रुपये लगेगा, उसमें किसान को देना पड़ता है। और यदि 5 हॉर्स पावर का मोटर है तो 18 हज़ार रुपये तक का ये लागत आएगा किसान को। इनके लिए ये शर्त रखा गया है कि एक तो आपके पास जो बोर है उसमें पर्याप्त पानी होना चाहिए, दूसरा उस बोर की दूरी 300 मीटर अनिवार्य कर दिया गया है। 300 मीटर के दूरी पे यदि अन्य बोर होगा तो न सोलर पंप लगेगा न दूसरा पंप लग पाएगा, क्योंकि पानी का लेवल नीचे जा रहा है, इसलिए 300 मीटर दूरी को बाध्यता किया गया है। और जहाँ पे विद्युत नहीं है वहाँ किसान आराम से ये सोलर पंप लगाए, और इस वर्ष हमारे बहुत से किसान लगाए हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। संगवारी हो, संदेश के चलत रही से तो आप मन देखे हो कि हमर जो तकनीकी बात रही थे कृषि के क्षेत्र में का उन्नति हमन अव कर सकथन, यूँ बीच बीच में हमन जो बात देखा थन तिहू ला अपन ध्यान से देखे करो संगवारी हो। और मैं तो कि था कोनो बात यदि समझ में नहीं आवते भुला जहूँ तो ला लिख के तको रखे करो। तो संगवारी हो, चर्चा कोती चलथन और सीधा चलथन तरिया डबरे कोती महेश भैया जगह। महेश भैया गोठियावा थे समूह वाला मन से कि मछली पालन कैसे करे जाए, तो आवाओ देखथन। संगवारी हो, आज हम आवन जिला बेमेतरा विकासखंड बेरला के ग्राम कुसमी में। ग्राम कुसमी हाँ बेमेतरा जिला के सबसे बड़े गांव है और एक जागरूक गांव है। यहाँ बहुत अकन तालाब है और ये तालाब ला मछुआरा भाई मन है, यहाँ के निवासी मछुआरा भाई मन है एक समूह बना के एक संस्था बना करके लीज में ले है, जेकर सदस्य हमारे बीच में है दुकलहा धीवर जी, हम ओकर से गोट बात करबो। राम राम धीवर जी। राम राम धीवर भैया, आप बताते हो कि आपके समूह के का नाम है और में कतेकन सदस्य हैं? हमारे समूह के नाम है जय अम्बे मछुआ समूह कुसमी। कतेकन सदस्य हो भैया आप मन? 33 सदस्य। 33 सदस्य है संगवारी हो, एक बहुत बड़े सदस्य होते, यानी 33 घर के एक एक आदमी है और मेंबर है, यानी बहुत बड़े परिवार है। आपके गांव में कौन कौन तालाब ला लीज में ले हो और सरकार कतेकन तालाब ला आप मन ला लीज में दे है? हमार गांव में 16 तालाब है, 16 तालाब पूरा लीज मिले हैं। के साल के लीज मिले हैं? 7 साल के लीज में। 7 साल की लीज है, एक बहुत बड़े लीज होते। तो ये बताते हो कि लीज में ले के बाद में इमें कौन कौन से मछली डाले हो? इमें है रोहा, मिरकल, कोमलकार और कतला जी। धीवर भैया, आप मन हाँ जो रोहा कतला मिरकल और कोमलकार मछली डाले हो, तो एक बीज की व्यवस्था कहाँ ले होते, कैसे ढंग के बीज लाता हो, कैसे ढंग के डालता हो?
कुछ साहब से मिलते यानी कि सरकारी बच्चा मिलते और कुछ प्राइवेट से लाता न यानी कि चनखुरी से। जी जी हाँ। तो डिबर भैया एक बात है कि आप मन गांव की निस्तारी तालाब में मछली पालन करता हो और आप मन मछली बीज में डालता हो ते में कई तरह के जो मछली बीज ला खा लेने वाला मांसाहारी भी मछली थे भुंडा कटरंग पढ़ीना टेंगना बाम्बी ये मन है मछली के बच्चा खा लेते तो कर साइज ला कैसे डालता हो जेकर से बच्चा बच जाए। हाँ मन है ओला ला के नर्सरी में डालथन ओकर बाद में यानी कि 100 ग्राम 50 ग्राम के होते ओकर बाद में सब तालाब में डालथन। और ऐसे तो हमारे गांव में भुंडा पढ़ीना नहीं है काबर नदी नाला है ही नहीं है जी एकर वजह से। अच्छा एक बात तो है बरसात के मौसम में हम देखा था ना आपके गांव के तरिया लबालब भरे है और कहूँ उलट फेंका गए और तालाब में कहूँ गली के पानी बहुत जोर से आवत है तो मछली मन के स्वभाव होते कि ऊपर चढ़ जाना या उलट में जाते तो उलट के बाहर निकल जाना ते में मछली ला रोके बर का उपाय करता हूँ। हाँ मनो में जाल लगा थन ऐसे सुने माथे कि मछली कैसे कि ओकर चोरी ओरी बहुत होते तो आप मन एला रोके बर अतिक समूह में 33 जन आदमी हो कैसे ढंग की निगरानी करते हो एकर एकर रखवाली करथन साहब। आप मछली निकाले हो तो गांव में जब तालाब में मछली निकालते तो मछली खतवान भी रही थे तो गांव के तालाब में मछली पालन कर थे एकर सेती गांव के मल्ला देवर कोई रेट बांधे रही थे सरकार है कि आपे मन बांध था। नहीं सरकार जो 80 रुपया रेट बनाए हैं वही से बेचथन गांव में पहले बेच लेथन ओकर बाद बचते तेल बाहर ले जाते हैं। ये बहुत अच्छा बात है कि एक मछली एक पौष्टिक आहार है और बहुत स्वस्थ माने जाते हैं और एक तरह के स्वास्थ्य के लिए मछली ला अच्छा आहार माने जाते तो आप गांव में भी एक स्वस्थ मछली पालन करके गाँव वाले ला भी मतलब ओकर मन के मतलब मछली खाए के शौक ला भी पूरा करा था। ये बताते हो जाल नाव और मछली के बच्चा के साथ साथ में ओकर मछली के आहार शासन की तरफ से दे जाते का। हाँ हमारे ना अभी जाल मिले है और खाद मिले रही से वही सब डाले हैं ना जाल वाला बनाए हैं शासन दे है। पहले टेंगना कोतरी रुदवा बाम्बी ऐसे नरवा में ढोड़गा में और चोरिया चिराही दता करके मारत रहे हो आज सरकार आप मल्ला अतिक अच्छा मछली पालन के लिए सुविधा दे है गाँव तालाब लीज में दे है तो तब के जीवन स्तर और अब के जीवन स्तर में का अंतर है। पहली का है सियान मन करत रही से और वो स्तर तब सुधार हो गए है अब हमन अब ये करत हन तो अब हमार लिका उच लिका हबन तो नरवा ढोड़गा वाले काम ही नहीं करे हन तालाब में जो भी होते वही ठीक हब है और सब ठीक ठाक से चलत है। आप अतिक सुघर जानकारी देव एकर बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो हमार बीच में एक और हमार संगवारी धीवर भाई है गोपी कृष्ण कुमार धीवर जी हम उकरो से चर्चा करबो। गोपी जी आप ये बताते हो कि आज आप मल्ला आपके समाज ला मत्स्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन है समूह बना के देवत है तो इमें आपके जीवन स्तर में कौन ढंग से सुधार हो है आने वाला पीढ़ी ला। वैसे और जानकारी के अंतर्गत कहा जाए कि हमार धीमर भाई मल्ला बहुत बढ़िया कर जिंदगी में सुधार आए है और पहली हमार पुरखा मन हाथ कोनो पढ़े लिखे घलो नहीं रहत रही से आवाज हमार धीमर भाई मन हा बढ़िया बढ़िया अभी कॉलेज करत है अभी आप मल्ला बतेस दुकलहा भैया है कि ओकर लड़का MSc करत है एमा हमार समाज ला बहुत बढ़िया सुधार मिली से और बहुत बढ़िया दिशा निर्देश मिले है कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन के बने ले हमारे ढीमर समाज है आज बहुत अच्छा स्तर में हवा है। जी खासकर मछली पालन से जुड़े हुए व्यवसाय तो ये बताते हो कि एमेजोन समूह हैं तो जय अम्बे समूह जो नाम बताइन है वो समूह मन है खाता खोल के पैसा जमा करता हो पैसा सबला बराबर बांटता हो कि कोई तरह की पैसा लेन देन लेकर के आप मन विवाद में पड़ता हो। वैसे अभी तक तो कोई विवाद नहीं आए ना भविष्य में होवे घलो नहीं काबर ये सबो जन अध्यक्ष बने हैं सचिव बने हैं कोषाध्यक्ष बने हैं सब जन एके परिवार के आदमी आन और एमा झगड़ लड़ाई वाले कोई बात नहीं है जैसे पैसा बांटना है तो पैसा बांट दिया जाते या पैसा बैंक में जमा करना है तो पैसा बैंक में जमा कर दिया जाते। एक प्रश्न पूछा था मछली हर बहुत जल्दी खराब होने वाला चीज़ है
तो ये बताते हो कि मछली के आप परिवहन करे बर दुरुग लेगना है, ऐसे सूखा ले गए तो मछली सर भी सकते है, तो ये बताते एक परिवहन कहाँ होते है, मार्केटिंग कैसे ढंग ले करता हो? हमन मछली ला यहाँ से दुर्ग ले जाथन, अधिकतर दुर्ग मंडी ले जाथन, तो दुर्ग से ही गाड़ी बलवाथन और गाड़ी में बर्फ आते है ना, ओकर बाद मछली निकालथन तालाब ले, और तालाब निकाले के बाद हम बर्फ डाल दिए जाते ओकर बाद ले जाथन। गोपी जी आप बहुत अच्छा जानकारी देव और एक बढ़िया बात बताए कि लोग लेकर पढ़ा थे और मछली के व्यवसाय से ही आपके समाज आगे आवा थे, आप अतिक सुग्घर जानकारी देव, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संगी हो। मछली पालन यदि समूह के रूप में करे जाए जैसे संगवारी मन बतावा थे, तो सबो झन ला 10 झन से 20 झन के समूह बनते सबो ला फायदा हो सकत है, और कैसे फायदा हो सकत है हमार खेती किसानी के बूता में यदि कुछ बाज के जानकारी यदि हो जाए तो वो फायदा हो सकते संगवारी हो। तो बेरा हो गए आप मन भर कुछ खास दिखाए के, तो लेवा देखो आप मन भर है कुछ संदेश। मेरे साथ बोलो ए, ए, बी, बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है, अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, एसी एबीसी यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाए हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, भारत। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। संदेश के बाद पुनः चलथन संगवारी हो महेश भैया कोती तरिया डबरी कोती, और वो पूछा थे समूह में किसान मन है मछली पालन में औ का बात के सावधानी रखते। चलन महेश भैया पूछा थे तरिया कोती। संगवारी हो हमारे बीच में है श्रीकांत देवांगन जी, मत्स्य निरीक्षक विकासखंड बेरला, और आज हम ओकर से चर्चा करबो कि ग्रुप फिशरी के पालन जो निकर निर्देश में हुआ थे बेरला क्षेत्र के हमारे मछुआरा भाई मन कैसे ढंग मछली पालन करे थे। नमस्कार देवांगन साहब। नमस्कार।
देवांगन जी, आप ये बताते हो कि आपके जो क्षेत्र है बेरला क्षेत्र है, वो बेरला क्षेत्र के मछुआरा समूह कतेकन समूह हैं और कैसे ढंग में मछली पालन के लिए आप निर्देश देवा था? हमार बेरला विकास खंड में कुल मिला के 14 पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति है, जेकर माध्यम से मछली पालन के काम करे जाते हैं। ओकर अलावा स्व सहायता समूह और मछुआ समूह मिला के कई जनों मन है, और व्यक्तिगत जो एक एक आधा हेक्टर के जो तालाब जनों मन है करीब करीब 13 जनों मन है। तो मुख्य रूप से जो समिति है ओकर माध्यम से मछली पालन के कार्य प्रमुख रूप से संचालित करे जाते हैं। उसमें जो तालाब मतलब ग्राम पंचायत के पट्टा मिले 10 साल के या ओकर पहली 7 साल के, अधिकांश सब ग्राम पंचायत के तालाब है, उमन सब भी मतलब पट्टा मिले है, उसमें मछली पालन काम करते हैं, मिश्रित मत्स्य पालन करते हैं मन। अच्छा, जहाँ तक आप मिश्रित मत्स्य मछली पालन की बात करें तो एक तालाब है, अगर मान लो हर 2 हेक्टर के तालाब है तो मैं कोमलकार मृगल रोहा और कतला कौन साइज के डालना चाहिए और कतेक मात्रा में डालना चाहिए? अब वैसे तो इसमें सामान्य रूप से जो तालाब अच्छा है उनमें फ्राई साइज के डाले जा सकते हैं, 10,000 फ्राई प्रति हेक्टेयर, मतलब 2 हेक्टेयर के आप तालाब पूछे हो तो 20,000, या फिंगरलिंग की अपन बात करें तो 5,000 फिंगरलिंग प्रति हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर में 10,000 फिंगरलिंग। अब एक अनुपात है कि 4 प्रजाति डालना है कि 3 प्रजाति डालना है, तो वैसे मुख्यतः जो उन पालतू मछली की बात कर अपन करन तो हमें 3 प्रजाति प्रमुख रूप से है, वो है कतला रोहू मृगल। एक अनुपात के हिसाब से 5,000 या फिंगरलिंग या 10,000 फ्राई संचय करे जाते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। देवांगन जी, खासकर हम देखते हैं कि मछली बीज के चयन में और खासकर मछली के जो जहाँ से उमन है हैचरी से बीजा लाते हैं, मछली बच्चा लाते हैं, तो मछली बच्चा लाए के बाद में उला एक नर्सरी में उमन है रख के मछली पालन कर लेते हैं और जब फिंगर साइज के होते तब उमन है तालाब में डालते, तो वो समय का बात के सावधानी रखना चाहिए किसान भाई ला जब वो एक लंबा परिवहन के बाद में बच्चा आवत है तो बोला नर्सरी में डाले एक बार का कौन कौन कोई बात के सावधानी रखें और चारा पानी किसे दें? हमार मछली विभाग की योजना में प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी है, मछुआरा मतलब 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिए जाते हैं, और प्रशिक्षण में मतलब पूरा विस्तार से बताए जाते हैं कि भाई अपन जैसे हम खुद अपन बच्चा ले गए तैयार यात्रा के लिए जाथन तो का तैयारी करथन, वो हिसाब से मछली बीज भी बहुत छोटे छोटे नाजुक रहते तो वो में परिवहन के समय, परिवहन के पहली और परिवहन के दौरान और परिवहन के बाद तालाब में लाए के समय का सावधानी बरतना चाहिए बोले मतलब सब मन विस्तार से बतासन। और तालाब के हिसाब से जहाँ तक बात करन तो स्पान अगर संचय करथन तो छोटे छोटे डबरी जो है 25 डिसमिल 30 डिसमिल के उमे साफ सफाई करे के बाद चूना डाले के बाद स्पान ला के डाले जाते संचय करे जाते। हमारी योजना में 25 लाख स्पान के प्रावधान भी है, बोला बड़े करके तालाब अगर साफ है जिनमें कई ठो तालाब रहते जिनमें फ्राई साइज के भी लग जाते कई ठोक में फिंगरलिंग भी लग जाते, तो वो हिसाब से मन देख लेते कि कौन से तालाब में हमारे फ्राई है लगते कौन से फिंगरलिंग लगते, वो हिसाब से मन संचय करते। खासकर देखे जाते कि मछली पालन जब किसान भाई करते हैं तो वैसे संभव तो मछली पालन में तो बहुत रोग राई लगा नहीं, लेकिन मछली पालन करे पहली पानी के पीएच मान और पानी की स्थिति और उमें मछली में लगे या रोग, एक निरीक्षण कैसे ढंग ले करना चाहिए, किसान भाई कैसे जाने कि मछली में कोई रोग लगा थे या पानी की स्थिति ठीक नहीं, तो पानी की पीएच मान कतेक रहना चाहिए? पानी के जो मछली पालन के हिसाब से पानी के पीएच मान जो है 7 से 7.5 के बीच अपन अच्छा मानथन। अपन जो तालाब में खड़े हैं वो पानी वैसे मछली पालन के हिसाब से ठीक है, जी जी। रंग कलर के हिसाब से पहचान आ जाते कौन से क्षारी गुण वाले हैं कौन से अम्ली गुण वाले हैं, तो वो हिसाब से मतलब मन रास्ता बताथन कि भाई पानी के रंग देख के उसमें एलगी ज़्यादा हो गए है कि वो एसिडी की इफेक्ट वाले है कि बेसिक इफेक्ट वाले हैं, तो मतलब इसे उतने तकनीकी रूप से नहीं समझ पाए लेकिन फिर भी अमन बताए कोशिश करथन कि ये का करो कितना चूना डालो या गोबर ज़्यादा हो गए तो गोबर कम करो, जैसे गांव के तालाब है तो मैं गांव के जो बस्ती पानी है उबा के आ जाते हैं हाँ, तो उकर बाद उपरा एक्स्ट्रा गोबर डाले की जरूरत बहुत कम रहते, तो वो सब चीज़ें मतलब प्रशिक्षण के दौरान हमन बताथन।
अच्छा ये बताते हो कि शासन के द्वारा जाल है और जहाँ तक कि बड़े डैम या बड़े मछली पालक है ओला बर्फ टोड़े के मशीन है और मछली परिवहन के लिए जो नोमला डब्बा दे जाते तो वो हर कौन सी योजना के तहत दे जाते और आपके क्षेत्र में कतेक झनला वितरण करे हो? ये में दो योजना जो है तेकर अंतर्गत दे जाते, एक तो है विभागीय योजना में भी फुटकर मत्स्य विक्रय के योजना है तेमें अपन मछली परिवहन करे के आइस बॉक्स देतन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है ओकर अंतर्गत भी परिवहन मछली परिवहन करे के डब्बा है मतलब आइस बॉक्स जल कथन अपन दे जाते। अभी 7 जुलाई के माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम बेरला में हो रही से वो में भी 25-28 बॉक्स ओकर कर कम सामान बंटवा रहे हैं क्षेत्र के अपन मछुआरा भाई मतलब। अब ये मतलब सलाह देते कि ये जो आइस बॉक्स आप लदेवा थे ओकर उपयोग करो और बाजार में दिखना चाहिए मछली बेचल जाता हो तो ये मतलब सलाह दे के अपन ये करता जी। काबर की अगर दूर के परिवहन है तो आइस बॉक्स वाले में मछली पाल लेके जाही तो एक स्वस्थ रही और ताजा रही। एक ये है कि तालाब है बहुत गहरा तालाब है या जो भी तालाब है वो में एक तरह के कीड़ा मकोड़ा सांप डेड़ू पत्थर वत्थर से दुर्घटना हो के बहुत चांस रहते मछुआरा भाई मल्ला तो इमें कोई बीमा वगैरह का प्रावधान है कि मेरे मृत्यु हो या अंग भंग हो तो ओमन मिले? हाँ वो में शासन के द्वारा मत्स्यजीवी दुर्घटना बीमा के प्रावधान भी है वो में अगर मृत्यु हो जाते तो 1,00,000 रुपये मुआवजा के रूप में दे जाते और अंग भंग हो से स्थायी रूप से अगर अपंगता हो गए तो 50,000 है। अभी नया समाचार ये है कि दिसंबर 2014 से वो मुआवजा राशि बढ़ा दे गए है तो ये साल के लिए लागू हुई दिसंबर 2014 से वो 2,00,000 कर दे गए है मृत्यु के बाद जो मुआवजा राशि मिली तेला और अंग भंग वाले 1,00,000 कर देंगे। आप बहुत सुग्घर जानकारी हमारे किसान भाई मल्ला हमारे औ मछुआरा भाई मल्ला जो दूरदर्शन के माध्यम से कार्यक्रम ला देखी वो मल्ला दे हो एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन देखाओ छत्तीसगढ़ी लोक गीत। जाए के बेरा हो गए, मैं यही निवेदन करत हूँ कि तरिया डबरी है बोरिंग के तीर है ते मेरे चिखला माटी रही थे ओला साफ करो पेड़ पौधा लगाओ स्वच्छता बनाए रखो और छत्तीसगढ़ के गांव के लइका मल्ला सब वो मन पढ़ाओ तेकर से आगू बढ़ सकन यही निवेदन है यही करत हूँ मैं गुहार। जाए के बेरा हो गए संगी हो राम राम जय जोहार।